रक्षाबंधन के त्यौहार में ढेरों मिठाइयाँ खाने के बाद मन करता है कुछ हेल्दी और कुछ चटपटा खाने का, तो क्यों ना बनाई जाए बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक हेल्दी चटपटा नाश्ता। तो इसके लिए आइए देख लेते हैं सामग्री क्या क्या हम ले रहे हैं। तो ये सारी हरी सब्जियाँ हैं, आपको जो पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। हमने अदरक और लहसुन ग्रेट करके लिया है, टमाटर चॉप करके लिया है, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च, प्याज सभी बारीक कट कर लिए हैं। ये 1 कप हमने चावल का आटा लिया है, तो आइए अब इसको बना लेते हैं। तो मैंने 1 कप जो चावल का आटा था वो मैंने सर्विंग बाउल पर डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है। 1 चम्मच हमने तेल डाला है और इसको सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उधर हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। ये आधी चुटकी हमने डाल दिया बेकिंग सोडा, इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब हम गर्म पानी से इसको मिलाएंगे, डो तैयार करेंगे। हल्का हल्का हम आटा जैसा लगा करके हम इसको ढक करके रख देंगे ताकि चावल का आटा हमारा फूल जाए। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा डो तैयार हो रहा है। अब इसको हम ढक करके 2 मिनट से 3 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ये हमारा डो, चावल का आटे का डो फूल करके बढ़िया सा सेट हो गया है। अब इसको हम छोटी छोटी हल्की पतली और हल्की मोटी स्टिक बना लेते हैं। तो ये हमारी सारी स्टिक तैयार हो गई हैं। इधर हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं, 1 छोटा चम्मच हमारा जीरा डाल दिए हैं और सभी सब्जियां हम बारी बारी से इसमें ऐड कर देते हैं। तो सभी सब्जियों को हम हल्का सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि सब्जियों का क्रिस्प बना रहे। तो हमने हल्का सौटे कर लिया है सभी सब्जियों को। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें। एक चौथाई छोटा चम्मच हमने धनिया और लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाला है, तीनों चीज़ें 1/4 छोटा चम्मच हैं। अब हम थोड़ा सा चला देते हैं मसाले का कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट के लिए ढक करके हम इसको सौटे होने दिए हैं। अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो ये 1/4 छोटा चम्मच हमने विनेगर डाल दिया, 1/4 छोटा चम्मच हमने डाला है सोया सॉस। सभी को मिलाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए ऑरिगैनो डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और 1 उबाल आने तक हम इसको ढक करके पकाएंगे। आधा छोटा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है अच्छा सा कलर लाने के लिए। आधा छोटा चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको हम ढक देते हैं, उबाल आने तक हम इसको पकने देते हैं। तो देखिए बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब इसमें हम जो चावल के आटे की स्टिक बनाए थे वो डालेंगे। तो हम इससे पहले हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, सॉरी नमक नहीं है, नमक हमने पहले डाल दिया था। तो ये है, हमने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी पाउडर डाला है 1 चम्मच। सारी स्टिक हमारी डल गई हैं। अब इनको हम 10 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी स्टिक अच्छे से पक जाए। चलाते हुए इसको पकाते हैं, थोड़ी देर ढक कर के पकने देते हैं। 10 मिनट के लिए हम ढक कर के इसको पकाते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं हमारे, बढ़िया सा हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप चाहे तो पुलाव के साथ या ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया, ठंडा होने के बाद हम सर्व करते हैं। देखिए कितना बढ़िया टेस्टी हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। आप इसको गर्मा गर्म इंजॉय करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब